नमस्कार, मैं शुभकर्ण, सहायक आचार्य EFM श्री राधेश्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम व्यवसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट संख्या फेस्ट का अध्ययन करने से पहले एक छोटा सा मैसेज से शुरुआत करते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत हासिल तख्तों के ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट संख्या प्रथम का अंतिम लेशन और अंतिम इम्पोर्टेंट प्रश्न का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में यूनिट संख्या प्रथम में बताया कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न बताया कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्यवसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न का आपने अध्ययन किया कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका या व्यवसायिक नीति निर्धारण में व्यवसायिक अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, क्या भूमिका है। चौथा प्रश्न कल हमने अध्ययन किया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र व्यवसायिक नीति निर्धारण में किस प्रकार उपयोगी है, किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उनका अध्ययन विस्तृत तरीके से हमने किया। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्या क्या प्रकार हैं और एक व्यवसायिक नीति निर्धारण में समष्टि अर्थशास्त्र की क्या भूमिका है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या उपयोगिता है। तो टॉपिक को शुरुआत करते हैं यूनिट संख्या प्रथम में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों को बताइए। व्यवसायिक नीति निर्धारण में यहाँ लिखते हैं, व्यवसायिक नीति निर्धारण में व्यवसायिक नीति निर्धारण में समष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका या महत्व या उपयोगिता बताइए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके विश्वविद्यालयों के एग्ज़ाम में बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आया है कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्या क्या प्रकार हैं, टाइप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और बिजनेस पॉलिसीज डिटर्मिनेशन में समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या यूटिलिटी है। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों का संक्षेप में सारगर्भित तरीके से अध्ययन करेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों को समझने से पहले हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र आपने जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में आपने अध्ययन किया, सर्वप्रथम तो कोई भी प्रश्न हो तो उसकी भूमिका लिखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बड़े बड़े समूहों या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतया, जिसे हम बात करें, समष्टि अर्थशास्त्र
मैक्रो शब्द से बना है जिसका मतलब होता है व्यापक या विस्तृत। तो मुख्य रूप से क्या बातें निकल के आई हम समझे कि समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े बड़े समूह या संपूर्ण अर्थव्यवस्था या व्यापक उसका अपने अध्ययन करते हैं। अब दूसरी बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। सामान्य शब्दों में लिखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन से है, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में याद करें कि समष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंध रखने वाली इकाइयों का निर्धारण या इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद में करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ विभिन्न अर्थशास्त्रियों जैसे बॉलिंग ने कि समष्टि अर्थशास्त्र वह है जो अर्थव्यवस्था के बड़े समूह या औसतों का अध्ययन करते हैं न कि विशेष मुद्दों का। इस प्रकार भी विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। दूसरी परिभाषाओं की बात करें गार्डन एक्ले के अनुसार कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है और व्यक्तिगत अनुभवों के कार्यों के संचालन पहचान और विस्तार की अपेक्षा करता है। आर्थिक अनुभवों के आधार पर इनको तैयार किया जाता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यापक अवधारणा के रूप में भी निर्धारित करता है। लास्ट में हम करेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप से लिखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था बड़े बड़े समूह या कुल योग के औसतों का विश्लेषण किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल विनियोग और कुल उपभोग, सामान्य मजदूरी, सामान्य लागत इसमें सम्मिलित है, वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों को बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर वन समष्टि स्थितिकी, नंबर दूसरा तुलनात्मक समष्टि, और तीसरा समष्टि प्रावेगिकी। ये तीन प्रकार के समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार हैं। प्रथम समष्टि स्थितिकी, मैक्रो स्टेबिलिटी, कंपैरेटिव मैक्रो और मैक्रो टेक्नोलॉजी प्रायोगिकी, ये तीनों समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों में आती है। प्रथम हम बात करें समष्टि स्थितिकी। जैसा कि नाम से ही है समष्टि स्थितिकी, स्थिति का मतलब यहाँ पर साम्य स्थिति से होता है, इक्विलिब्रियम जिसे बोलते हैं, साम्य स्थिति। साम्य किस चीज़ की? साम्य स्थिति में हम बात करें कि इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था साम्य की अवस्था में पहुँचती है, अर्थात साम्य की दशा में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, अर्थात संतुलन के अंतिम अवस्था का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें क्या निकल के आया? संतुलन की अवस्था या साम्य की अवस्था। जब इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की किस साम्य में है, किस साम्य की स्थिति में है, उसका अध्ययन समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत आता है। दूसरा हम बात करें तुलनात्मक समष्टि। तुलनात्मक समष्टि, इसके अंतर्गत विभिन्न संतुलनों की तुलना की जाती है। संतुलनों की क्या की जाती है? तुलना।
संतुलनों की तुलना की जाती है जिसमें कुछ उस अवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता है जिनको छोड़कर अर्थव्यवस्था एक संतुलन से दूसरे संतुलन को प्राप्त करती है। कुछ ऐसे टर्म्स हैं उनको छोड़ करके एक अर्थव्यवस्था को दूसरे अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने पर तुलना की जाती है, उस टर्म्स को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, एक संतुलन से दूसरे संतुलन तक पहुंचाया जाता है, तो वो तुलनात्मक समष्टि के अंतर्गत आती है। तीसरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रकार में समष्टि प्रायोगिकी, इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों में परिवर्तन होते रहते हैं। किस में होते हैं? अर्थव्यवस्था में विभिन्न घटक क्या होते हैं? परिवर्तन। परिवर्तन क्या होंगे? घटक होंगे। विभिन्न परिवर्तनों के घटकों को मुख्यतः इसमें शामिल किया जाता है। इन परिवर्तनों में अर्थव्यवस्था के नए संतुलन प्राप्त किए जाते हैं। नए संतुलन हमारे सामने आते हैं कि किस प्रकार से संतुलनों का क्रियान्वयन किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है जो जिस स्टेप से, जिस प्रक्रिया से गुजरती है वो इसमें सम्मिलित है। कौन कौन से इसमें प्रायोगिकी या कौन कौन सी इसमें एक संतुलन को छोड़कर दूसरे संतुलन को प्राप्त होती है, तो ये मुख्यतः हमने अध्ययन किया समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों के। प्रथम, समष्टि स्थिति की साम्य स्थिति या संतुलन व्यवस्था आती है। तुलनात्मक समष्टि में संतुलनों की तुलना की जाती है। प्रायोगिकी में परिवर्तन जो भी घटक होंगे उसमें नए संतुलन, नए आयाम आएंगे और एक संतुलन से दूसरे संतुलन को प्राप्त की जाती है। ये तो आ गया समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। अब बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र की क्या भूमिका है व्यवसायिक नीति निर्धारण में, व्यवसायिक नीति निर्धारण में उपयोगिता महत्व। व्यवसायिक नीति निर्धारण में समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका या उपयोगिता या महत्व है कौन कौन से हैं? समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका मुख्यतः हमने पिछले वीडियो में भी संक्षिप्त रूप से अध्ययन की थी, आज भी हम इसको पुनः अध्ययन करेंगे। प्रथम है क्या हुआ? समष्टि अर्थशास्त्र में पहली है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है इसमें। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है, ये भी इसकी भूमिका एवं उपयोगिता की श्रेणी में आता है या उसकी भूमिका में मुख्यतया सम्मिलित है। दूसरा है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान। दूसरी हम बात करें मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण में सहायक, मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण में सहायक, मौद्रिक समस्याओं में जो भी तेजी मंदी आएगी उसका अपने आसानी से इसमें क्रियान्वयन कर सकते हैं, तो मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा है आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक, आर्थिक नीति के
निर्धारण में सहायक। आर्थिक नीति के निर्धारण में भी सहायक, मौद्रिक नीति आर्थिक नीति के निर्धारण में भी सहायक एक मुख्यतया भूमिका का निर्माण करती है, जिसमें प्रथम मैंने आपको बताया मौद्रिक अर्थव्यवस्था का ज्ञान, हाँ, मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण में सहायक तेजी मंदी और आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है। चौथे पॉइंट की हम बात करें, इसी में साम्य बेरोजगारी का निर्धारण भी इसमें होता है। साम्य बेरोजगारी का निर्धारण, साम्य बेरोजगारी के अंतर्गत भी समष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि साम्य बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर इनको तैयार करते हैं। एक व्यापार चक्रों का भी विश्लेषण होता है, व्यापार चक्रों के विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है के विश्लेषण में सहायक। व्यापार में होने वाली तेजी मंदी भी एक व्यापार चक्रों के विश्लेषण में सहायक है, जो कि एक सहायक तरीके से भूमिका निर्वहन होती है। छठा पॉइंट हम बात करें मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनियोग की समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसमें सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका का निर्वहन होता है, समष्टि आर्थिक विश्लेषण में भी सहायक है। सातवें पॉइंट की हम बात करें, समष्टि आर्थिक विश्लेषण में सहायक। नवे पॉइंट की हम बात करें, समष्टि मॉडलों का निर्माण और आर्थिक नियोजन में सहायक। नवा है आर्थिक नियोजन में सहायक। आज हमने समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार और इसकी भूमिका का अध्ययन किया। आगे हम इसी क्रम में EFM पेपर सेकंड, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम।